झेल सर। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं बुरा नगर रोड जैनू भाई इनके घर के पास। पहले भी हमने उनके कुएं में एक सांप रेस्क्यू किया था, उसमें दो गिरे थे लेकिन एक मिला एक नहीं मिला। आज वो दूसरा वाला जो सांप है, पानी ऊपर आने के कारण जैसे ही बारिश हो गया पानी ऊपर आया और सांप वो बाहर निकल आया है, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, देखते उस कुएं में कौन सा सांप है, उसको पकड़ कर हम फॉरेस्ट में रिलीज़ करेंगे। इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, कैमरामैन अतुल पाखरे के साथ। चलो लॉक कर गाड़ी। है क्या ऐसे बोली में थे क्या गुण गुण दाई जी ले पाए। अरे बगर रस्सी का चढ़ने का हम पहले पानी रहने का तो अभी आदत नहीं रही उसकी। खैर पानी पड़ो धीरे धीरे रोज आधा आधा फुट पानी पड़ो। इधर जाओ नहीं क्या तुम्हें तू इकडे
दोस्तों आपने देखा अभी कोबरा स्नेक जो है बाहर निकाला इस कुएं से, नवाशेख कुएं में उतरे थे दोस्तों। पहला वाला भी कोबरा हमने इसमें रेस्क्यू किया था, वो इससे थोड़ा बड़ा था और सिल्वर कलर में दिखाई दिया था। अब ये जरा थोड़ा ब्लैक कलर में दिखाई देता है, आप देख सकते हैं ब्राउन और ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, ये कोबरा है जिसे हम भारतीय नाग नाम से जानते हैं और ये जहरीले सांप होते हैं, इनमें न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है। इसके बारे में काफ़ी सारे अंधविश्वास है, नागमणि होना, इच्छाधारी सांप होना, ऐसा कुछ होता नहीं। जो लोग इसके सर से, जो यूट्यूब पर कुछ वीडियो आते हैं उसके सर से कुछ काट कर उसमें से काला स्टोन निकालते और कहते नागमणि है, तो सब फेक वीडियो होते हैं। उसमें पहले ही हल्के से हाथ से काट कर यहाँ पर जो जहर का हिस्सा है तो वहाँ पर हल्के से हाथ से काट कर उसमें काला स्टोन डाल दिया जाता है पहले ही, और लोगों के सामने जानबूझ कर दिखा कर वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं पैसे कमाने के लिए। और फिर एक बार वो काला स्टोन डाला हुआ उनके हाथ से ही निकालते हैं और लोगों कहते हैं कि नागमणि है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, अंधविश्वास है दोस्तों। अभी देख सकते हैं अभी अपनी जो त्वचा है, जो केचुली उसकी अभी उतार रहा है पानी में रहने कारण इसको जल्दी केचुली आई। सांप अपनी केचुली क्यों उतारता है इसके बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। चलिए दोस्तों अभी इसको हम बैग में डालते हैं और तुरंत हम फॉरेस्ट में इसको रिलीज़ करने के लिए जाने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और उसकी तो यार नहीं कुछ नहीं तो दोस्तों आपने देखा अभी एक कोबरा स्नेक जो हमने कुएं में रेस्क्यू किया था, यहाँ पर पर्यावरण में सांप को हम रिलीज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यही कोबरा है जो हमने रेस्क्यू किया था कुएं से, आप देख सकते हैं इस फॉरेस्ट में। दोस्तों आपने देखा कि इस सांप को भी हमने यहाँ पर रिलीज़ किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।